हमें जमन शेफर्ट के बच्चे ले जाएं। फाइनल 40 में दे देंगे। ठीक है, जो चिकन चावल है और कीमत हमारे व्यूअर्स को बताएं कितने में दिया आपने पेयर। सर ये समझ लें 70,000 रुपए का पूरा पेयर दे दिए आपके। 60,000 चलें 60,000 रुपए में डन कर दिए। 60,000 इसमें क्या कमी पेशी करेंगे व्यूअर्स के लिए? आप इसके फाइनल 180 हो जाएंगे। पपी है, फीमेल पपी है जी। अच्छा, डिवॉर्मिंग हुई फेस की? जी जी। इस डॉग को लेके ये डोनेट करना चाह रहे हैं, किसी अच्छी फैमिली को देना चाह रहे हैं, कोई ऐसी फैमिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ जमशेद। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। देखने वाले हमारे तमाम व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से अदाब और रिस्पेक्ट। व्यूअर्स, आप लोग को लेकर आए हैं सदर संडे डॉग मार्केट में विज़िट करवाने जा रहे हैं। आज मार्केट में काफ़ी यहाँ पर रश नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि कराची का मौसम बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि यहाँ पर आप धूप में खड़े नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है धूप में खड़े रहने पर, बहुत ज़्यादा तपिश है मौसम के अंदर। तो आज का जो दिन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए कवरेज करेंगे, देखेंगे आज मार्केट में कौन कौन सी वैरायटी नस्ल मौजूद है डॉग की, वो आपके साथ शेयर करेंगे, प्राइसेस आपको अपडेट करेंगे। आइए मार्केट का प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे जनाब? खैरियत साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। बताएं कौन से पपीज लेकर आए? मैं जर्मन शेफर्ड के बच्चे लेकर। जर्मन शेफर्ड के पपीज लेकर आए। अच्छा, क्वालिटी बताएं, कौन सी क्वालिटी के पपीज हैं? इसके फादर हैं, पेडिग्री है, डबल कोट है और सिंगल कोट मदर है। अच्छा, डबल कोट फादर है और सिंगल कोट मदर है। अच्छा, तो पेडिग्री इसका फादर है और ये सारे भी नॉन पेडिग्री? नॉन पेडिग्री। अच्छा, इनकी एज कितनी है? ये 50 डेज़ होंगे। 50 डेज़ हैं, ठीक है। तो उनके खाने पीने में क्या क्या दे रहे हैं इनको? इनको यखनी भी दे रहे हैं, चिकन चावल भी दे रहे हैं, माँ का दूध भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो ये बताएं कि इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है? अच्छा खासा है, 8-10 होंगे, जिसके अंदर मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, काफ़ी है। 8-10 आपके पास पपीज मौजूद हैं। अच्छा, प्राइस क्या है? मेल के 45 है और फीमेल के 40 है। व्यूअर्स के लिए थोड़ा बहुत कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये कौन सा डॉग लेकर आए? ये रशियन और चुहावा का क्रॉस है। रशियन और चुहावा का क्रॉस है, क्रॉस है। तो इसकी डिमांड क्या है? इसकी मैं 25 बोलूँगा। 25,000। तो जब ये रशियन और चुहावा का क्रॉस है तो अब ये क्या बना है? ये बेसिकली चुहावा ज़्यादा बना है। रशियन कम बना है, चुहावा ज़्यादा बना है। अच्छा, तो ये बताएं कैसे खाने पीने का रूटीन क्या है? चिकन चावल, चिकन चावल, सबका चिकन चावल। वैक्सीन कंप्लीट है इसकी? वैक्सीनेशन कंप्लीट है। और पपीज को लगी है वैक्सीन? हाँ, अभी लगाए हैं, 2 दिन पहले इसकी फर्स्ट डोज लगवाई है। डिवॉर्मिंग? डिवॉर्मिंग पहले 20 डेज में हो गई थी, तो 40 डेज के अंदर इसको हमने पहला डोज लगवा दिया। जो आपने प्राइस बताया इसमें कमी पेशी करेंगे ना व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल, ठीक है। अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर? मोहम्मद अली नाम है मेरा, और कॉन्टैक्ट नंबर 0301-823-0378 और रिहायशा करेंगी जमान डाउन। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो व्यूअर्स, मार्केट में यहाँ पे एक हस्की आया हुआ आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये इसके जो सेलर हैं वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है, इनके जो सेलर हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये एक हस्की माशाल्लाह से। प्राइस क्या है इसकी? 70,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, एज कितनी है, उम्र? अच्छा, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। कॉन्टेक्ट नंबर नहीं चलें, ये लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? खैरियत साहब? ठीक है। ये कौन सा डॉग लेकर आए? ये जर्मन शेफर्ड लेकर आए, फीमेल है। जर्मन शेफर्ड फीमेल है, प्योर है, क्रॉस है? प्योर है, बिल्कुल प्योर है। पेडिग्री? नॉन पेडिग्री है। नॉन पेडिग्री। अच्छा, सो क्या अभी क्या केक वेक खिला रहे थे? जी, अभी केक वेक खिला रहे थे, भूख लग रही थी इसको, इसलिए केक लेकर आए थे इसके लिए। वैसे खाने पीने में क्या देते हैं आप? ये सब चीज़ सब कुछ खाती है, वैसे चिकन भी खाती है और केक, फ्रूट, सब्जी वगैरह सब खाती है। अच्छा, फ्रूट वगैरह भी खाती है जी। अच्छा, ये बताएं कि इसकी वैक्सीन कम्प्लीट है? वैक्सीन नहीं, कंप्लीट नहीं है इसकी, अभी करानी है। अच्छा, और इसके अलावा इसकी एज कितनी बताइए? एज इसकी, एज कितनी है? 1.5-2 साल है इसकी। 1.5-2 साल है। अच्छा, उसको खड़ा करके दिखाएं तो बैठी हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये अभी गर्मी लग रही थी, अभी कब से खड़ी टांगों में मसला तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, इसको मैं खड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ, खड़ा करके दिखा दूँ। देख लें आप, बिल्कुल कितना कमज़ोर, इतना कमज़ोर कैसे है ये? हमने हालांकि इसको थोड़ा दिया हुआ था किसी को ना, तो उसकी लापरवाही की वजह से इन्हें, इसलिए थोड़ी कमज़ोर हो गई है, वरना माशाल्लाह पहले एक्टिव थी, फुल हेल्दी थी। है फुल हेल्दी थी, थोड़ी कमज़ोर हो गई जी। उसको यानी खिलाने पिलाने की ज़रूरत है उसको जी? अभी इसको कान के पास इसके हेयर जो है वो रिमूव हो गए, क्या मसला है? ये पानी की वजह से ना ये थोड़े झड़ गए थे, अभी इसको गीला करा है, ये देख रहे ना अभी, ये
स्किन डिजीज तो नहीं है ना कोई? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है अभी इसके। डिमांड क्या कर रहे हैं इसके आप? इसकी डिमांड हम 50 कर रहे हैं। 50,000 कर रहे हैं जी। और फाइनल कितने तक में देना है? फाइनल 40 में दे देंगे। 40 में देंगे जी। ठीक है, अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर। नाम है रजा, कॉन्टैक्ट नंबर 03132185135। लोकेशन क्या है? लोकेशन न्यू कराची। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब करिए साहब? अल्लाह का करम, आप सुना? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन से डॉग लेकर आए? सर ये जर्मन शेफर्ड और रशियन। जर्मन शेफर्ड और रशियन है जी। अच्छा, जर्मन शेफर्ड कौन सा जर्मन शेफर्ड है? इससे कान बैठे हुए? ये कान तो खड़े होता। ये घर की ब्रीड है, मेरे मामू के पास थे, 6-7 बच्चे दिए थे, 3-4 के कान खड़े नहीं हुए, उनमें से एक मैंने ले लिया था, इतनी तवज्जो नहीं दी। क्रॉस तो नहीं है ना? नहीं नहीं है, तो प्योर है, बस कानों का इशू है। प्योर है, प्योर कानों का इशू है जी। और जो आने वाली नस्ल होगी उसमें भी कान बैठे हुए? नहीं नहीं नहीं, उसके कान खड़े हैं। कान खड़े हो? हाँ। वैसे आने वाली नस्ल का हम तो बता नहीं सकते, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। ये तो है। अच्छा ये बताएं, ये कितने की सेल कर रहा हूँ? ये 25 बोल रहा हूँ, पर फाइनली 21-22 तक में छोड़। ये नॉन पेडिग्री है जी? दोनों नॉन पेड। खाने पीने में क्या क्या दे रहे हैं इनको? ये कीमा चावल, गर्मी है जैसे अभी तो खीरे वगैरह, फिर कच्ची लस्सी वगैरह दोपहर में दे देते हैं, और 2 टाइम खाना दे रहे हैं सुबह में और रात में। अच्छा, और वो रशियन जो है उसके प्राइस? हाँ प्राइस बताएं इसका। वो 8-9 तक छोड़ दूँगा। 8-9 हज़ार रुपये में दे रहे हैं आप? अच्छा, मेल है फीमेल है वो? दोनों मेल है। दोनों मेल हैं जी। अच्छा, जर्मन शेफर्ड का मुझे ये बताएं कि आपने जब इसे कान बैठे हुए थे तो आपने डॉक्टर को चेक नहीं करवाया कि इसे कान खड़े क्यों नहीं हो रहे? गलती हो गई ना बचपन में, जब 2-3 महीने का था तवज्जो नहीं दी। तवज्जो नहीं दी आपने? वरना स्टिक वगैरह लगा के कान खड़े हो जाते, ट्रीटमेंट हो जाता है इसका, पर हमने तवज्जो नहीं दी असल में, वो और लोगों वाली सोच। अभी आपने कंसल्ट किया डॉक्टर से, मालूमात की? बोल तो रहे हैं पर मैं नहीं मानता, वो बोल रहे हैं कि 10-15 हज़ार लगेंगे, सेट हो जाएंगे, स्टिक वगैरह लगेगी, खड़े हो जाएंगे, पर मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि अडल्ट हो गया अभी है, अब मुश्किल है, बॉडी मैच्योर हो जाती है। हाँ। अच्छा, इसके फाइनल रेट बता दें। 20 तक छोड़ दूंगा फाइनल। 20 तक में छोड़ेंगे, और वो 8-9 जी। ठीक है, अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर। इमरान नाम है, शाह फैसल की लोकेशन है, और 03132877107। ठीक है, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब खैरियत साहब? अल्लाह का करम है, फर्स्ट क्लास। ये बताएं कौन से डॉग लेकर आए? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रजा क्यों नहीं आया? रजा जो है ना, घर में कुछ काम था इस वजह से रजा आ नहीं सके। अच्छा। तो थोड़ी मसरूफियात थी उनको। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कौन से डॉग लेकर आए? अभी एक पुडल लेकर आए और एक रशियन है, मेल, दोनों मेल है ये। एक पुडल है और एक रशियन है, दोनों मेल लेकर आए। अच्छा, प्योर है बिल्कुल ये? जी जी जी। डिमांड क्या है? ये पुडल के जो है ना, इसके 10,000 है, रशियन के भी 10,000 मांग रहे हैं। अच्छा, इनकी एज कितनी है, इनको खाने पीने में क्या दे रहे हैं? ये पुडल तकरीबन जो है ना, ये 8 महीने का, और ये अडल्ट है पूरा, 12 महीने का हो गया है रशियन। अच्छा जी। और वैक्सीन वगैरह कंप्लीट है? जी जी, वैक्सीन कंप्लीट है इनको। अच्छा, खाने पीने में क्या दे रहे हैं? ये खाने पीने में वो सेम डाइट है कि जो चिकन चावल है और बाकी घर की रोटी वगैरह ये चीज़ें ये खा लेते हैं। ये घर की रोटी वगैरह, चिकन चावल खिलाते हैं जी जी। इसके अलावा ट्रेनिंग में कुछ सिखाया इनको? बस पोटी वगैरह ट्रेन है ये, और यह वाला तो जो है ना माशाल्लाह से गार्ड डॉग के हिसाब से भी ट्रेन है ये रशियन, तो गार्ड डॉग के हिसाब से भी ट्रेन है। जी जी जी। ये किस पे हमला कर सकेगा? ये तो है ही छोटा सा। ये हमला नहीं करता, ये तो सिर्फ शोर मचाता है बस। ये बस ये शोर मचा के बता देगा। ये शोर मचा के बता देता है ये। फाइनल रेट बता दें, क्या प्राइस करेंगे बिल्कुल व्यूवर्स के लिए? आपके व्यूवर्स के लिए जो भी होगा इंशाल्लाह खाली हाथ नहीं जाने देंगे, जो भी होगा गुंजाइश के साथ देंगे उनको। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। कॉन्टैक्ट नंबर 03133171024, लोकेशन हैदराबाद। ऐसा तो नहीं रजा को पता चल गया हो कराची में गर्मी बढ़ रही है? कुछ गर्मी का भी नहीं, घर में काम था तो इस वजह से रजा नहीं आ सके, घर में काम मसरूफ आता। चलें, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, मेहरबानी। तो व्यूवर यहाँ पर सौदा हुआ है, हमारे एक व्यूवर आया हमसे रिक्वेस्ट करी, इन्होंने कहा कि जनाब हमें रशियन दिलवा दें, और क्योंकि हमारे यहाँ पर लाल सदर मार्केट में हमेशा आते हैं, हर इतवार को आते हैं, तो हम जब इनसे कहते हैं कि हमारे व्यूवर इनका ख्याल करें, तो हमारी देखने के बाद ही हमारे व्यूवर्स का खास ख्याल करते हैं, और हमारे कहने पे इन्होंने हमारे व्यूवर्स को ये 5,000 कर दिया, जबकि 5,000 इसकी कॉस्ट नहीं है। ये हमारे कहने पे इन्होंने, हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारे व्यूवर्स का दिल खुश करने के लिए हमारे व्यूवर्स को दिया है। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपने। ठीक है सर, परचेज कर लिया आपने डॉग, कैसा लगा आपको डॉग, चेक कर लिया आपने? अच्छी तरीके से शुक्र है, मिल गया, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं तो भाई से रेट पूछ, बच्चे के लिए लिया आपने? हाँ, इनके लिए लिया, इसको शो पालेंगे इसको। हाँ, अच्छी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स यहाँ पर सौदा हुआ है, ये भी सदर मार्केट के सेलर हैं जो कि हमारे व्यूवर्स का ख्याल करते रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे व्यूवर्स आते हैं, विजिट करते हैं, तो यहाँ पे कौन से डॉग का सौदा हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब करिए? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। कौन सा डॉग सेल किया आपने? ये जर्मन शेफर्ड का एक पूरा पेयर इनको दिया है, फीमेल लॉन्ग कोट की है, और मेल जो है स्टॉक कोट का मेल है, 9 महीने का है,
दोनों फुल वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीन की बुकें वगैरह इनको दी हैं। ये आपके जी आपके व्यूवर्स हैं, ये आए हैं पेशावर वाली साइड से, लकी मरवत से। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अरे नवरंग वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप सुना खैरियत है, खुश है। देखा आपने डॉग, देखा आपको समझ में पसंद आया डॉग? हाँ इंशाल्लाह पसंद है, आज भी पसंद है। अच्छा, तो ये बताएं उन्होंने सही रेट लगाया? सही रेट लगा, मुतमईन होगा आप अच्छे तरीके। चलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपने हमारे व्यूवर से ख्याल किया। अच्छा, आप इतनी दूर से आए, चाय बोतल कुछ चलेगा? अल्लाह खाना खाते, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह जिंदाबाद रखे, अल्लाह महफूज रखे। जज़ाकअल्लाह, आप लोग की मोहब्बत चाहिए। अच्छा, एक दफ़ा डॉग को टहला के भी चेक कर लेगा, अच्छी तरीके से मुतमईन हो जाए, उसके बाद ले बस। ये भी इसके गाँव ले जाते हैं ना, उधर इसके गाँव के साथ हमारा दोस्त है, फिर इसको हम पैसे देते हैं, इसके पास दो तीन दिन यही कुत्ते होगा और पैसे हम देगा, फिर जब हम घर जा रहे हैं तो इससे ले जाएगा। अच्छा जी बेटा। अच्छा, हमारा चैनल कैसा? हमारे चैनल के बारे में बताएं, चैनल से मुतालिक। चैनल अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह हर जगह खैर खैरियत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को फरिश्तों के पर में महफूज रखे। आमीन आमीन, जजाकअल्लाह, मोहब्बत चाहिए आप लोगों के, अल्लाह खुश रखे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक सौदा हुआ है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और माशाल्लाह खरीदने वाले भी काफ़ी खुश हैं और बेचने वाले भी काफ़ी खुश हैं, और यही हमारी कोशिश होती है कि इसी तरीके से मोहब्बतों से सौदा हो। अब सौदे की जो कीमत है वो भी मालूम कर लेते हैं जी। बताए कितने का? सर ये आपके व्यूवर्स हैं लकी मोहब्बत से आए, इन्होंने कहा है कि आपके चैनल को भी देखते हैं, इन्होंने आपके चैनल से, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों की वजह से हमें फीडबैक मिलता है, तो ये आए थे। मुझे दो तीन दफ़ा पहले भी आए, तो मैं असल में गर्मी भी आपको पता है नहीं आ रहा था रमज़ान में भी, तो ये आज आए थे, इनको मैंने आज का टाइम दिया था, तो ये आज आएँ, सौदा हुआ, अच्छा हुआ, मैंने बहुत कोऑपरेट किया है और इतने मुनासिब पैसों में दिया, क्योंकि ये दूर से आए थे, हमारे भी मेहमान हैं। चाहूंगा कीमत हमारे व्यूवर्स को बताएं कितने में दिया आपने पेयर? सर ये समझ लें 70,000 रुपये का पूरा पेयर दे दिया। आप कितने? 60,000 रुपये में डन कर दिया। 60,000 में पेयर दिया, पूरा पेयर दे दिया। और आपके चैनल के तवसल से एक बात करना चाहूँगा, अक्सर ये बेचारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं ना, पेशावर हो गया, लाहौर पिंडी वगैरह से, तो बेसिकली मैं खुद झेलम का रहने वाला हूँ, पंजाब का, रहाइश मेरी कराची के, लेकिन मेरा बैकग्राउंड पूरा झेलम से है ना, तो इंशाल्लाह ताला मैं कुछ दिनों में वहाँ पे, मैंने ज़मीन वगैरह ली, अभी उस पर काम चालू है, तो हम वहाँ पे मैं और काशिफ भाई एक चैनल बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपके व्यूवर्स मतलब लाहौर पिंडी इस्लामाबाद गुजरात लाला मूसा जो करीब करीब के, उनको भी इंशाल्लाह विज़िट कराऊँगा, अगर किसी को लेना चाहेगा तो इंशाल्लाह उनको वहाँ से करीब पड़ेगा, और इंशाल्लाह मैं आपको भी दावत दूंगा और भी यूट्यूबरों को, इंशाल्लाह आप लोगों को भी मैं वहाँ का विजिट करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और पसंद आ गया और भी आपसे लेते हैं, चले अब अभी ये आपसे खरीदते रहेंगे, ठीक है, अब आपके कस्टमर बन गए हैं। अच्छा ये बताएं, दो ही डॉग लेकर आए थे मार्केट में? नहीं, एक वो सामने है, वो भी एक फीमेल सुबह लाए थे शेफर्ड की, स्टॉक कर्ड की इसके साथ की, वो सेल हो गई है, एक वो ताज़ी और उसका बच्चा पड़ा हुआ है शिकारी, वो भी दिखा दें। आइए व्यूअर्स, चलते हैं, चले पहले से शुक्रिया अदा कर लेते हैं। ठीक है जनाब, अल्लाह खुश रखे आपको, ठीक है, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबान। जी जनाब, ये कौन सी ब्रीड बता रहे हैं? ये गुलटेर और शिकारी का जो है ना, ताज़ी का क्रॉस है, ये शिकार वगैरह के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं सिंध में खास करके ना। दिखने में तो काफ़ी लोकल सी लग रही है। नहीं सर, ये माशाल्लाह लोकल आपका लग रहा है, जिनको पहचान होगी इंशाल्लाह ताला वो खुद इस चीज़ को देख के पहचान लेंगे। डिमांड क्या है इसके? इसकी सर 30,000 रुपये डिमांड कर रहा हूँ मैं। 30,000 रुपये डिमांड जी। वैक्सीन हुई भी इसके साथ? बच्चा भी है? नहीं, बच्चा तो वो आपको मैंने बताया कि स्टॉक कोड का था, वो सुबह सेल हो गया है। अच्छा, बच्चा सेल हो गया जी। अच्छा, सेल कर दिया। वो भी आपके व्यूअर्स को दिया है और अच्छी कीमत में ही दिया हमको। 35,000 बोल रहे हैं, उसको खाने पीने में क्या देना? इसको खाने पीने में अभी जैसे गर्मी है तो सुबह दही लस्सी वगैरह दे रहा हूँ, शाम में जो है ना इसको चिकन राइस वगैरह और हल्का फुल्का डॉग फूड मिला के जो है ना वो दे रहा हूँ। अच्छा, वैक्सीन वगैरह कम्प्लीट है? वैक्सीन इसको कम्प्लीट है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें अपना। कॉन्टैक्ट नंबर सर 0340-8243-846, यही व्हाट्सअप है, यही कॉन्टैक्ट नंबर है। और लोकेशन आपकी? लोकेशन मेरी बल्दिया में, कैनल आपको पता है महमूदाबाद काशी भाई के साथ ही है। जजाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बस हमारे व्यूअर्स कैसे तरीके से? इंशाल्लाह सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट होती है जनाब कि आप लोग जो है वो संडे वाले दिन वीडियो अपलोड किया करें। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारी वीडियो जो बनती है वो 4K पे एडिट होती है, जिसके वजह से हमें पूरा दिन भी लग जाता है प्रोसेस करने में, और क्योंकि आजकल इंटरनेट सर्विसेज डाउन है इसी वजह से अपलोडिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है। और दूसरी बात क्लियर करूँ व्यूवर्स के, यहाँ मार्केट में डॉग्स आते हैं इतवार को, कई बहुत सारे डॉग यहाँ पर सेल भी हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी, ऐसे डॉग्स भी आते हैं जो अच्छी नस्ल के डॉग होते हैं और कम कीमत में होते हैं, तो समझ लें वो लोग आते हैं और परचेज़ करके ले जाते हैं।
और जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसके एक दिन बाद पता चलता है, बहुत सारे लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, उनसे परचेज़ कर लेते हैं। तो हमारे व्यूवर्स कह रहे होते हैं कि जनाब आपने वीडियो अपलोड करी, अब उनसे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा है कि जनाब सोल्ड हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप व्यूवर्स से कि आप लोग खुद भी मार्केट में आकर विजिट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। डॉग मार्केट इतवार को लगती है, यहाँ पर बहुत सारे डॉग आते हैं। कुछ डॉग ऐसे भी आते होंगे जो हमारी नज़र में नहीं भी आते होंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि मार्केट में जो भी वैरायटी आती है वो आपके साथ शेयर करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोग आए मार्केट में विजिट करें, और जिन सेलर्स का हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोग डॉग लाते रहते हैं और मुख्तलिफ वैरायटी के डॉग सेल करते रहते हैं, जैसे कि आज दो सौदे हम आपको दिखा चुके हैं। आइए फर्दर विजिट करते हैं, देखते हैं मार्केट में और कितने सौदे हो रहे हैं। चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? खैरियत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, आप भाइयों की दुआएं। ये बताएं क्या लेकर आए, कौन सा पपी है? सर ये शो लाइन चैम्पियन रेड लाइन और प्योर जर्मन शेफर्ड है ये, लॉन्ग कोट का। तो क्या डिमांड है इसकी? सर ये इसकी 150 डिमांड है, क्योंकि पिंक पैडी है, इसके पेडिग्री पेपर बने हुए हैं। पेडिग्री पेपर, पेडिग्रीज हैं जी, और चैम्पियन लाइन है और शो क्लास के लिए बेसिकली ये है। पेरेंट्स की हिस्ट्री बता दें। सर पेरेंट की हिस्ट्री मैं आपको बकायदा शो कर दूंगा, मैं पेडिग्री पेपर्स लाया हुआ हूँ। बेसिकली मैं ऊपर बता देता हूँ, जो इसकी मेन लाइन है इसमें जैक गुरेरा और मांटू जो दो बड़े चैम्पियन हैं पाकिस्तान के, उनकी ब्लड लाइन के बच्चे हैं, जो कि काफ़ी रेयर है। और मांटू जो है वो अभी अलाइव है, और जैक गुरेरा डिस्टिंक्ट लाइन में, मतलब उसके बच्चे सिर्फ ग्रैंड फादर्स की लाइन में ही आएंगे। जी तो ये बताएं पपीज़ की एज कितनी है? सही है 2.5 मंथ के हैं, फुली वैक्सीनेटेड है, दो इनको वैक्सीन शॉट लग चुके हैं और लग चुके हैं इनको पारवो के लग चुके हैं। एग्जैक्टली वार्मिंग भी करवा लिया? वार्मिंग भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। पूरी हिस्ट्री है इनकी, इनके कार्ड भी मेरे पास हैं, ठीक है। फर्दर जो भी नया लेगा, खाने पीने में क्या दे रहा है? सर इनकी मेन डाइट जो है वो डॉग फूड है, लेकिन आपको भी पता होगा कि कई लोग डॉग फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए इनको जो है थोड़ा सा चिकन और थोड़ा सा चावल भी मैं देता हूँ, ताकि इनका स्टमक एडजस्ट रहे। नहीं तो लोग लेके जाते हो फिर शिकायत करते हैं कि लूज़ मोशन हो गए या प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने इनको थोड़ा सा चिकन चावल पे भी रखा है, लेकिन मेजॉरिटी इनका 90% समझे डॉग फूड है। एक टाइम आप उनको डॉग फूड देते हैं? नहीं, मैं दो टाइम ही डॉग फूड देता हूँ, और एक टाइम थोड़ा सा मैं चिकन और चावल देता हूँ, ताकि ये इनका मतलब के टेस्ट भी डेवलप रहे और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसको अडॉप्ट करके रखे। अभी इनकी एज क्या हुई? सर 2.5 मंथ। 2.5 मंथ जी। और डिमांड क्या करें फाइनल व्यूवर्स के लिए? सर व्यूवर्स के लिए मैं 135 कर दूंगा इसके, 35 जी, जो ब्लैक एंड टैन है। अभी मैं आपको एक प्योर ब्लैक भी दिखाऊंगा। प्योर ब्लैक भी दिखा दें व्यूवर्स को? जी बिल्कुल जी जनाब, ये बिल्कुल प्योर है ब्लैक। जी सर ये प्योर ब्लैक जर्मन शेफर्ड है, ठीक है, लॉन्ग कोट, क्योंकि सेम पेरेंट्स के हैं तो सारी वही डिटेल्स हैं, ठीक है, देख भी सकते हैं। मेल है ये? फीमेल है सर, तीनों फीमेल्स हैं। बेसिकली ब्रीडर्स के लिए बेस्ट चॉइस है, क्योंकि इससे फर्दर फ्यूचर में ब्रीड ली जा सकती है अच्छी। तीनों फीमेल हैं? तीनों फीमेल हैं। इसकी डिमांड क्या है? सर इसकी डिमांड 2 लाख, क्योंकि प्योर ब्लैक आपको भी पता होगा बहुत रेयर कलर होता है, ठीक है। अगर हम मेट भी करा दें तो बहुत कम बच्चे निकलते हैं, 10 में से 1 या 2 ही ब्लैक निकलते हैं। अच्छा ये बता दें इसकी फाइनल रेट क्या हो जाएंगे? सर इसके फाइनल 180 हो जाएंगे। 180 इसके हो जाएंगे, और उसके जो आपने 135। आप खुद भी पपीज लेकर आए? आप तीन पपीज हैं, तीनों फीमेल हैं। अच्छा ये बताएं इसके यहाँ पर जो हेयर्स वाइट वाइट हो रहे हैं? सर ये वाइट पैच है, इसको डायमंड क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जर्मन शेफर्ड जो है उसमें वाइट स्पॉट आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि ख़राब है या कुछ इस तरह का, जेनेटिक लाइन में वाइट आ सकता है। लेकिन फिर ये प्योर ब्लैक तो नहीं कहलाएगा ना? सर प्योर ब्लैक ही कहलाएगा, लेकिन इसको डायमंड क्रेस्ट कहेंगे। इसकी एक अपनी डिमांड होती है, जो बोलते हैं कि यहाँ पर हमें इस तरह करके वी शेप में वाइट हेयर ही चाहिए, तो कहलाएगा ये प्योर ब्लैक ही, क्योंकि इसमें देखें ब्लैक मार्किंग, वो ब्राउन मार्किंग है टैन कलर की, सिर्फ वाइट की मार्किंग है ये जो क्रेस्ट इसका आ रहा है, कहलाते हैं प्योर ब्लैक ही है। ठीक है, चलिए अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर? सर मेरा नाम फैजान अली है, कॉन्टैक्ट नंबर है 0304228163। लोकेशन क्या आपके? सर लोकेशन पंजाबी सौदागरान सोसाइटी है, स्कीम 33 गुलजार एजरी, और मैं अभी आपको कार्ड और वो पेडिग्री भी दिखा देता हूँ। पेडिग्री भी दिखा दें जी। सर जी जनाब, तो ये पेडिग्री? जी सर बेसिकली ये पिंक पैडी पेपर होते हैं, ये आपके व्यूअर्स को भी दिखा दूँ जो लोग बोलते हैं पेडिग्री है। पिंक पैडी में आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स होते किस तरह के। सर ये फीमेल मदर का नेम है, ठीक है, यहाँ पे मदर का नेम आ जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरी डिटेल्स इसमें आई हुई होती हैं। फर्दर मैं इसको आज शायद पहली बार ओपन करके दिखा रहा हूँ, इससे पहले शायद वीडियो में बहुत ही कम लोगों ने दिखाया होगा। सर ये होता है पूरा जनरेशन लाइन, जिसको शजरा कहते हैं, इसमें मदर फादर, उनके मदर फादर, देन ग्रैंड पेरेंट्स, पूरा शजरा 5 जनरेशन तक का। जर्मन शेफर्ड में जिसके भी 5 जनरेशन तक एटलीस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हो, पिंक पैडी में आ जाते हैं। अच्छा अब ये देख लें, यहाँ पर ये रहा फादर साइड पे जैक गुरेरा, जो ग्रैंडफादर लाइन चल रही है, और मदर साइड पे मांटू, जो मैंने आपको बताए थे, जो
चैम्पियन है पाकिस्तान के। यानी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री है? कंप्लीट हिस्ट्री है सर, क्योंकि मैं खुद शो लाइन का काम करता हूँ तो इसमें दो नंबर ही नहीं होती, क्योंकि रिकॉर्ड आपका इंटरनेट पे इनके क्लब पे भी अवेलेबल होगा। और आपको मैं पेडिग्री के इसके डॉक्यूमेंट भी आपने जी जी जी। चलें बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। कार्ड दिखा दूँ? हाँ कार्ड देख। सही है, वैक्सीनेशन कार्ड ठीक है? वैक्सीनेशन जी सही है, देखें वैक्सीन भी कंप्लीट है? वैक्सीन कंप्लीट है, जो दो पहले वैक्सीन शॉट होते हैं, पार्वो का पहला शॉट लगा हुआ है, पार्वो का ये दूसरा शॉट भी लगा हुआ है, और लगवाई भी सबसे अच्छी मैंने वैक्सीन है बायोकैन ठीक है। अब जो नेक्स्ट वैक्सीन लगेगी वो जो भी परचेज करेगा वो दो वैक्सीन लगवाएगा। इसके अलावा डिवर्मिंग भी आपको दिखा देता हूँ। ये डिवर्मिंग हुई है जी, ये डिवर्मिंग हुई हुई है, और ये यहाँ की है नहीं, ये थाईलैंड से मैंने मंगवाई थी डिवर्मर ठीक है। इसका जो नेक्स्ट है वो 15 तारीख है मीन्स कल, तो ये डिवर्मिंग तो मैं करके दूंगा, तो अब जो नेक्स्ट होगी वो 14 डेज बाद होगी ठीक है। चलिए एक बार फिर से अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देगा सर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0304228163 ठीक है। अगर व्यूवर्स कॉन्टैक्ट करें जो कमी पेशी मस्जिद हो सके कर लेगा? बिल्कुल सर, जो भी आपका रेफरेंस देगा उसके साथ पूरा कॉपरेट करूँगा, और इस बात की टेंशन नहीं ले, अगर कोई जेन्युइन कस्टमर हुआ तो उसके लिए थोड़े से प्राइस में और भी कम कर दूँगा। बहुत शुक्रिया। ओके जी, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब, करिए सर? मैं अल्लाह पाक का आप सुना, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन से डॉग लेकर आए? सर ये डॉबरमैन लेकर आए, वो लैब्राडोर फीमेल है, और इसके अलावा फिर जर्मन शेफर्ड का लॉन्ग कोट का मेल। जर्मन शेफर्ड के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी बताएं इसकी? सर ये लॉन्ग कोट के अंदर, अभी इसको ट्रिम किया हुआ है हमने जो है ना, लॉन्ग कोट के अंदर ट्रिम किया हुआ है, और कन्फर्म स्टड मेल है, और 15 महीने एज है इस मेल की। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी इसकी उम्र कितनी है और प्राइस क्या? 15 महीने एज है और 140 इसकी डिमांड है मेरी। 15 महीने एज है यानी वैक्सीन कंप्लीट हुई? वैक्सीन वगैरह कंप्लीट है। वैक्सीन कार्ड दिखा सकते हैं आप? सर वैक्सीन आपको पता है हम खुद ही करते हैं, और अभी जो है इसको एक महीने ही हुआ है, इसको वैक्सीन लगा हुआ है, 11 महीने बाद इसको वैक्सीन रिपीट होगी। अभी 11 महीने के बाद होगी। खाने पीने में क्या देना है इसको? खाने पीने में अब चिकन राइस, और दोपहर में जो है ना लस्सी देते हैं इनको, क्योंकि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया, आपको पता है दोपहर में लस्सी लाजमी है सब कुत्तों को। और इसके अलावा ये लैब्राडोर? सर ये लैब्राडोर की फीमेल है, पेडिग्री माइक्रोचिप फीमेल है, और इसके फाइनल मेरी डिमांड जो है ना 75,000 बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि इसको मैंने 3 दिन पहले मैंने मेट करवाया, मेटिंग की पूरी वीडियो भी है मेरे पास, 3 दिन पहले मेट हुई है। मेट कौन से मेल के साथ करवाया? सर मेरे पास थाईलैंड इंपोर्ट मेल पड़ा हुआ है लैब्राडोर में, उसके साथ मैंने मेट करवाया। अच्छा, और इसकी डिमांड क्या करना है फाइनल? फाइनल 75,000 है। अच्छा, इसकी भी वैक्सीन कंप्लीट है? वैक्सीन कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेडिग्री माइक्रोचिप है, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इसके कंप्लीट है। अब इसका बताएं? सर ये डॉबरमैन है, नॉन पैट के अंदर है, चॉकलेट कलर के अंदर, 8 महीने का पपी है ये। 8 महीने का जी सर, वो बिल्कुल फ्रेंडली है, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एग्रेसिव नहीं है। अच्छा, इसकी भी वैक्सीन कंप्लीट है? वैक्सीन कंप्लीट है, इसकी 2024 तक इसकी वैक्सीन कंप्लीट हुई है। इसको क्या कह रहे थे खाने में आप? सर इनकी चिकन राइस वगैरह यही डाइट चल रही है, सबकी सेम डाइट जी जी, सबकी सेम डाइट है, कोई डाइट में कोई चेंजिंग नहीं। इनको कितने दफ़ा खिलाते हैं अपने डॉग्स को आप? दिन में एक टाइम खिलाते हैं। अच्छा, वॉकिंग का कोई रूटीन इनका? एक सुबह में वॉक होती है इनको, और एक रात में वॉक होती है, 2 टाइम इनको वॉक देते हैं। अच्छा, इनकी प्राइसेस बताएं? सर इसकी डिमांड मेरी जो है 90,000 है, और इसकी फाइनल 75,000 है, उसकी जो है ना 140 है। जर्मन शेफर्ड की 140 है, इसकी 75 है, और इसकी 90,000 जी सर। और इसके ये सर इसकी डिमांड जो है ना मेरी 65,000 है। ये कौन सा है? ये यूरोपियन वो है, और लेकिन इसकी एज जो है ना 3 साल है। कितनी? 3 साल है? 3 साल एज है इस मेल की। मेल है फीमेल? मेल है। इतना कमज़ोर कैसे हो रहा है? सर ये समझ ले जिससे लिया था उसने बहुत डाइट कम रखी हुई थी उसकी, इसकी डाइट वैसे आपको पता है डॉबरमैन की जो वैसे ही हेल्थ जो है वो थोड़ी कमज़ोर में ही रहता है वो डॉबरमैन। वैक्सीन वगैरह तो उसकी भी कंप्लीट है? जी जी, वैक्सीन वगैरह सब कंप्लीट है। टेल को क्या हुआ? टेल तो क्रॉप हुई हुई था, आपको पता है डॉबरमैन का जो लुक ही वो टेल के ऊपर और कानों के ऊपर ही लुक आता है इसका, उनके बचपन में ही क्रॉपिंग हो जाती है। चलें ठीक है, अपना नाम बता दें मुझे और कॉन्टैक्ट नंबर। सर मेरा नाम हैदर है, और कॉन्टैक्ट नंबर है 0334-36-88-256, और मेरी लोकेशन सोलह बाजार नंबर 1 की है। चलें बहुत शुक्रिया जजाक, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब, करिए सर? सर मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। कौन सा डॉग है? सर जर्मन शेफर्ड है। जर्मन शेफर्ड है जी। जर्मन शेफर्ड का प्रॉपर लॉन्ग कोट है ये। अच्छा, लग क्यों नहीं रहा जर्मन शेफर्ड? जर्मन शेफर्ड अभी इसके यहीं पे 50,000 लग चुके हैं, नहीं दिया। इसके पेरेंट्स की हिस्ट्री बताएं मुझे। सर इसके जो बाप है वो पोलैंड इंपोर्ट है, और इसकी जो माँ है वो पाकिस्तानी है। और अभी तो खाने पीने में क्या दिया जा रहा है? ये चिकन चावल खा रहा है अभी तो, एक मंथ का भी नहीं हुआ ये पपी। एक मंथ का भी नहीं हुआ जी। पार्वो की वैक्सीन तो नहीं लगवाई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं अभी लगवाया। एक ही पपी है और भी? एक ही पपी था। अच्छा, इसकी फाइनल डेट बता दें। सर इसके तो 70,000 मांग रहे हैं, और फाइनल 65 में दे देंगे ये। 65 में देंगे जी। ठीक है, अपना नाम बता दें। मेरा नाम शहरी। कॉन्टैक्ट नंबर 0348
23536 39। अच्छा, इनके इसके अगर कोई पेरेंट्स देखना चाहे तो हमारे घर पे ही हैं। अच्छा, घर पे ही है जी। चलो ठीक है, व्यूअर्स का इंशाल्लाह कांटेक्ट कर लेंगे। जज़ाकअल्लाह। अच्छा, ये बता दें, मेल है फीमेल? फीमेल है सर, एक ही पपी हुआ था, ये फीमेल पपी है। अच्छा, फीमेल पपी है जी। ठीक है, अपनी लोकेशन बता देगा? मेरी लोकेशन हसन स्क्वायर। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? खैरियत साहब? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं, कौन से पपीज लेकर आए? ये जर्मन शेफर्ड है। ये जर्मन शेफर्ड है। और ये वाला? हस्की है। ये हस्की है। अच्छा, प्योर है, क्रॉस है? ये प्योर है। प्योर है। इनकी क्या डिमांड है? इसकी डिमांड में मांग रहा हूँ 50,000। अच्छा, इसके 50,000 मांग रहे हैं। और ये बताएं, इसके पेरेंट्स की हिस्ट्री कैसी है? पेरेंट्स इसके पैटीगरी है? पैटीगरी पेरेंट्स है। अच्छा, और अभी इसकी उम्र कितनी बता रहे हैं? एक महीने इसकी उम्र है। पार्वो की वैक्सीन वगैरह तो नहीं लगवाई होगी? नहीं। फाइनल रेट बता दें इसके हस्की के? 40,000। 40,000। अच्छा, ये एक ही और भी पपीज हैं हस्की के? एक ही, सिर्फ एक ही। अच्छा, जर्मन शेफर्ड का बताएं? 50,000। 50,000 डिमांड है। अच्छा, इसके पेरेंट्स के बारे में बताएं, इसके पेरेंट्स कैसे हैं? सही है। पेटीगरी हैं? हाँ। अच्छा, आपके पास मौजूद है पेरेंट्स? अगर कोई देखना चाहेगा, कॉन्टेक्ट करेगा तो आप दिखा भी देंगे। ठीक है, जर्मन शेफर्ड के कितने पपीज हैं आपके पास? मेरे पास 3 है इस वक्त। 3 पपीज हैं। और डिमांड क्या करें एक पपी के? 50,000। इसमें कुछ कमी पेशी करेंगे व्यूवर्स के लिए? कमी पेशी कर लेंगे आप। इसमें कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं? सब मेल हैं। सारे मेल हैं। और खाने पीने में क्या दे रहे हैं इनको जर्मन शेफर्ड को? डॉग फूड वगैरह, बिस्किट वगैरह, इस तरह के। चले, नाम बता दें अपना, कॉन्टेक्ट नंबर और लोकेशन। सुहेल। कॉन्टेक्ट नंबर? 03121058258। और लोकेशन क्या है, कहाँ रहते हैं आप? खारा दर। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र है। ये बताएं, कौन से पपीज लेकर आएँ? शिट्ज़ू ब्रीड है। शिट्ज़ू ब्रीड है। प्योर है, क्रॉस है? प्योर है, प्योर। इसके पेरेंट्स की हिस्ट्री बताएं, पेरेंट्स कैसे थे? पेरेंट्स के पैटेगरी हैं। पेरेंट्स पैटेगरी? हाँ, मेरे पास अवेलेबल है घर पर। आपके पास मौजूद है, अगर कोई देखना चाहेगा तो आप दिखा भी देंगे। और पपी की डिमांड क्या कर रहे हैं आप? पर पपी की मैं 50 कर रहा हूँ पर पपी की। तो पेयर है, ये पेयर में दे दूँगा 90 का फाइनल। पेयर कितने का देंगे? 90 का। अच्छा, 90 का पेयर दे रहे हैं और एक पपी आप 50? जी 50। 50,000 रुपये का। और इनकी अभी एज क्या है? खाने पीने में क्या दे रहे हैं? खाने पीने में ये सेल्फ फीड पे आ गए हैं माशाल्लाह से, तो चिकन चावल खा रहे हैं, मतलब तो पेरेंट्स के साथ अपने खाते हैं। पार्वो की डोज लगवा लिया? अभी पार्वो नहीं लगी, डिवॉर्म मैंने कर दिया, तो जब 2 मंथ्स के बाद जो है ना। पार्वो की डोज कब लगवाएंगे? पार्वो की 2 मंथ्स के बाद, अभी 55 डेज़ के। चले, फाइनल रेट बता दें व्यूवर्स के लिए, अगर कोई ख़रीदना चाहे तो। फाइनल आपके व्यूवर्स के लिए मैं कर दूँगा 40। 40 में कर देंगे? 40 में कर दूँगा पर पपी। यानी 80,000 रुपये का पेयर? जी। अच्छा, दो ही पपीज हैं आपके पास या और भी हैं? और भी मेरे पास अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में भी हैं। ये तो ब्राउन एंड व्हाइट लेकर आए हैं। अच्छा, ये भी बताएं मुझे, मेल फीमेल है या? जी मेल फीमेल। ये वाला मेल है? ये वाला मेल है जी। और ये वाली फीमेल है। ठीक है, चले, अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर। नाम मेरा डेंजिल है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 03152529409। लोकेशन मेरी PIV कॉलोनी। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब? भैया, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। ये बताएं, कौन सा डॉग लेकर आए? सर, ये शिट्ज़ू की फीमेल है, 10 मंथ्स की है। शिट्ज़ू की फीमेल है 10 मंथ्स की? 10 मंथ्स की। क्या डिमांड है? 60,000। 60,000 जी सर। अच्छा, और खाने पीने में क्या डिमांड? खाने पीने में सब कुछ खा रही, चिकन चावल खा रही, डॉग फूड दे रहे हैं वो खा रही है। बाकी डॉग फूड देते हैं आप? जी सर। डॉग फूड दिन में कितनी दफ़ा खिलाते हैं? एक टाइम। किस टाइम खिलाते हैं, सुबह के टाइम या शाम? रात के टाइम खिला रहा हूँ। रात के टाइम इसको डॉग फूड दिया जाता है? जी सर। ठीक है, और ये बताएं, वैक्सीन वगैरह कंप्लीट है? 2 डोज लगी हुई, मैंने घर पे लगवाई थी। वैक्सीन कार्ड है आपके पास? अवेलेबल नहीं है, वो मैंने घर पे की थी पर। अच्छा, ये बताएं कि फिर वैक्सीन दोबारा रिपीट कब होगी? रिपीट इसकी 1 महीने बाद होगी। रिपीट 1 महीने बाद वैक्सीन दोबारा रिपीट होगी? जी सर। अच्छा, और ये बताएं, आपके पास ये एक ही है और भी हैं? और भी पपीस हैं, लैब के पड़े हुए हैं, हस्की के भी हैं, पिटबुल के भी पपीस आए हुए हैं। इसके रेट क्या है? 60,000। 60,000। इसमें क्या कमी पेशी करेंगे व्यूअर्स के लिए? आपकी भी साइन 55 फाइनल। ठीक है जनाब, अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर। मेरा नाम है जेस्पर डॉसन, 03168935081। लोकेशन क्या है आपके? PIB कॉलोनी। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? आप ठीक ठाक? ये बताएं, क्या लेकर आए? हस्की। हस्की लेकर आए? प्योर है, क्रॉस है? प्योर है। अच्छा, क्या उम्र है इसकी? 2 महीने। 2 महीने या 2 साल? नहीं 2 महीने। से तो 2 साल निकल रहा था। नहीं 2 महीने। 2 महीने इसकी उम्र है। अच्छा, खाने पीने में क्या दे रहा हूँ? चिकन। चिकन दे रहे हैं। कितनी दफ़ा खिलाने दिन में इसको? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा खिलाते हैं। वैक्सीन करवाई आपने इसको? नहीं वैक्सीन नहीं करवाई जी। अच्छा, डिवॉर्मिंग हुई भी इसकी? जी। अच्छा, ये बताएं कि मेल है फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है। और ये बताएं, फाइनल कितने तक में दे रहे हैं? फाइनल 50 मांग रहा हूँ, 45 में दे दूँगा। 50 आप मांग रहे हैं और 45 में दे रहे हैं जी। और अभी यहाँ पे क्या रेट लग रहे हैं? इधर अभी 20-30 लग रहे हैं। नहीं दिया आपने? नहीं। क्या रहा था, कितने तक में देना है? फाइनल 45 में देंगे, 40 में भी दे देंगे।
चलो ठीक है, नाम बता दें, फोन नंबर। नाम है राशिद, नंबर कौन सा नंबर है? 03032230 2170। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? परिया साहब, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आए? लैब्राडोर। लैब्राडोर है, प्योर है क्रॉस है ये? ये प्योर है। प्योर है, क्या मांग रहे हैं इसके आप? ये हम 50 मांग, ओ अपने 250 मांग रहे हैं इसके। कितने मांग रहे हैं? 25, मतलब समझा नहीं मैं। यानी कि 25,000 रुपये मांग रहे हैं। 25,000 रुपये मांग रहे हैं। अच्छा, उम्र कितनी है इसकी? इसकी 3.5 महीने। 3.5 महीने। और खाने पीने में क्या देना इसको आप? इसको हम डॉग फूड वगैरह देते हैं और बाकी कीमा एक टाइम बस। अच्छा, वैक्सीन वगैरह तो सब कंप्लीट है ना? जी, जी, वैक्सीन कार्ड दिखा सकते हैं आप? कार्ड है नहीं सर। कार्ड है नहीं आपके पास? ठीक है। ये बताएं फाइनल रेट क्या हो जाएंगे इसके? बिल्कुल फाइनल देने वाले? अगर देने वाले हम इसको 20-22 तक में दे देंगे, इससे ज़्यादा। चलिए ठीक है, नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर। मेरा नाम मोहम्मद फेस और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 03152735318। लोकेशन क्या आपके? लैंडी। ठीक है, मैं चाहूँगा इस डॉग को ज़रा टहला के दिखाएं। अच्छा, घर का पला बनाए? जी जी, ये वो अपना वॉशरूम वगैरह खुद जाता है बाहर? ये बाहर जाता है, ये घर में खुला रहता है, फैमिली है। यानी इसको घर में खुला रखते हैं वॉशरूम वगैरह के लिए खुद? चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब? खैरियत साहब? जी ठीक है। आप? ये कौन सा डॉग लेकर आए? अल्लाह का शुक्र, ये टेरियल पुडल है। टेरियल पुडल है। इतनी तेज तेज सांसें क्यों ले रहा है? ये थक गया है गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से थक गया है जी। पानी वानी पिलाया इसको? पिलाना है अभी, अभी तो आए हम लोग। अच्छा, क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसके हम 7,000। जिसको आगे निकाले तो प्योर है क्रॉस है? प्योर है ये, बिल्कुल प्योर है। इसकी उम्र कितनी है? इसके अभी 3 महीने। 3 महीने इसकी उम्र है। मेल है फीमेल है ये? फीमेल। फीमेल है। खाने पीने में क्या क्या दे रहे हैं इसको आप? खाने पीने में कीमा चावल। कीमा चावल खिलाते हैं। दिन में कितनी दफ़ा खिलाते हैं? दो टाइम खिलाते हैं। इसको टहलाने लेके जाते हैं आप? जी थोड़ा वो जैसे कि घर के बाहर सहन है, सहन में खेल रहती है। और ये बताएं, एक ही आपके पास ये और भी है सर? बस अभी यही है। बस यही है। अच्छा, तो मार्केट में ला के बेचने का इरादा क्यों बना? बस घर वाले कुछ हमारी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो उसकी वजह देना पड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब ये परेशान कर रहा है ज़्यादा? हाँ, जैसे कि घर वाले जैसे कि ना वो ही बोल रहे हैं कि इसको दे दे, इसको दे दे, हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर कंट्री में। तो इसकी फाइनल डेट बताएं, कितने तक में देंगे आप? फाइनल हम लोग 6 में छोड़ देंगे, 6-5 में छोड़ देगा। अच्छा, वैक्सीन वगैरह भी कम्प्लीट है इसकी? जी, इसके कार्ड वगैरह दिखा सकते हैं आप? कार्ड है, घर पर है। घर पर है। चलें ठीक है, अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर। मेरा नाम है अनुज और 03182240635। लोकेशन क्या आपके? केमाड़ी। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके, तो व्यूअर्स, मार्केट में एक डॉग आया हुआ है यहाँ पर, जो साहब आए हैं इस डॉग को लेके, ये डोनेट करना चाह रहे हैं, किसी अच्छी फैमिली को देना चाह रहे हैं, कोई ऐसी फैमिली जो उसका ख्याल कर सके, तो इनकी ख्वाहिश है, तो अब इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब? परिया साहब, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो ये आप डॉग लेकर आए किसी अच्छी फैमिली को देना चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो ये बताएं डॉग के बारे में बताएं, डॉग परेशान वगैरह तो नहीं करता? नहीं, परेशान नहीं, फैमिली के साथ बड़ा हुआ है ये, और बस ये है कि मैं ना इसको अभी गर्मी की वजह से मेरा घर बहुत गर्म होता है, तो इस वजह से मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ। वैक्सीन कम्प्लीट है इसकी, मैं अच्छी फैमिली चाह रहा हूँ ताकि इसका ख्याल करें। वैक्सीन वगैरह तमाम चीज़ें, कार्ड वगैरह भी है इसका? जी जी, घर पर रखा। ठीक है, अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर। जावेद अली नाम है, 03242020952। ये मेल है फीमेल है? फीमेल है, एक दफ़ा ब्रीड कर चुकी है ये। चले इंशाल्लाह, अगर कोई इसको रखना चाहेगा तो आपसे रब्ता कर लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थी सदर संडे डॉग मार्केट की अपडेट। यहाँ पर डॉग्स तो आए थे, लेकिन गर्मी की वजह से कस्टमरों का थोड़ा सा रुझान कम है, क्योंकि इस वक्त जो है वो 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, 2:30 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है, और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा आपको गर्मी के मनाजर दिखाना चाहूँगा। बैक साइड पर आप लोग मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पर धूप की जगह पे कोई भी आपको घूमता फिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ये छोटे ही पेड़ों के शेड है, यहाँ पर लोगों का थोड़ा बहुत रश है, यहीं पर डॉग मार्केट लगे हुए, और इसके अलावा इस साइड पर कोई भी यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं होगा, धूप की तपिश इतनी ज़्यादा है कि लोग खड़े नहीं हो पा रहे। तो यही थी अपडेट व्यूअर्स, यहाँ पर जितने भी डॉग आए थे आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करें, इंशाल्लाह अगले इतवार को भी आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले इतवार को मुलाकात होती है आप तमाम व्यूअर्स से। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।